जुलाई माह में मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र होने वाला है। बजट को लेकर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में जो बजट पेश किया जाएगा वह जनता के लिए हितकारी होगा। इस बार सरकार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का बजट लाने की तैयारी में है। सरकार ने बजट से पहले आम जनता के सुझाव मांगे हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि बजट के लिए आम जनता के साथ एक्सपर्ट से भी हमने चर्चा की है। उन्होंने बताया कि 2028 में मध्य प्रदेश में होने वाले महाकुंभ के लिए केंद्र सरकार से बजट मांगा है। वित्त मंत्री ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में वित्त विभाग में कई बड़े फैसले और अच्छे कार्य हुए हैं। उन्होंने अर्थव्यवस्था को बेहतर किया है। बजट पूर्व तैयारी जो करना चाहिए वो पूरी बजट पूर्व तैयारी चल रही है। अभी बीच में हमने एक संवाद भी रखा था जिसमें सारे हमने वरिष्ठ जनों को भी बुलाए थे, विभाग के भी एक्सपर्ट लोगों को बुलाए थे और भी जो एक्सपर्ट है बजट से संबंधित उन सारे लोगों को बुला करके हमने प्रशासन एकेडमी में भी हमने कार्यक्रम रखा था और बाकी लोगों से भी आम जनता से भी सुझाव आमंत्रित किए हैं। सभी विभागों से भी हमने तैयारी के संबंध में पूरी जानकारी ली है। तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाला मध्य प्रदेश सरकार का बजट यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो बजट पेश होगा हमारा मध्य प्रदेश सरकार का वो बेहतर होगा, जनहितकारी होगा, जनता से जुड़ा हुआ होगा, जनता के लिए होगा और सर्वस्पर्शी बजट हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।